Hello dear friends, Vande Mataram, welcome to a new lecture of the Hello Alkane and Hello Arene. In our previous lecture, we have learned about SN reactions, SN2, SN1, types of SN1, SN2, iska kuch examples, some parameters particular for the SN1 and SN2. From this lecture, we are going to start elimination reactions, okay? So, dosto, first of all, elimination reaction kya hai, then types of elimination reaction, that all things we are going to learn in this particular lecture, one of the most important lecture in terms of elimination reaction, particular for the Hello Alkane and Hello Arene. Hello Alkane mein hi, jyada dar case mein dosto baat hogi. So, our point is elimination reaction, okay? So, dosto, jaise aapko word dikh raha hai, elimination, it means किसको एलिमिनेट करना है, किसी को एलिमिनेट करना है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, बट किसी को निकाल ही देना है. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, किसी को निकालने के साथ किसी को ऐड भी करते थे ना. यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है, ओनली एलिमिनेशन इज देयर. सो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो अगर एज पर एज डेफिनेशन देखो, किसी भी कंपाउंड में से कुछ पोर्शन को हम निकाल दें, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और हेलो अल्केन है, उसमें से हैलोजन और उसके साथ अनदर कोई एलिमेंट अगर उसको हम एलिमिनेट करते हैं, सो देर इज़ दी पॉसिबिलिटी वो जहाँ पे भी जुड़े थे उसका जो भी सैचुरेशन था, जो भी वैलेंसी थी, वो वैलेंसी ब्लॉक होगी. अभी अगर बाय चांस वो सैचुरेटेड था तो अनसैचुरेटेड बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है. सो एलिमिनेशन से ज़्यादातर केस में सैचुरेटेड हेलो अल्केन से अनसैचुरेटेड अल्किन फॉर्म हो गए मेजोरिटी केस में, ओके. सो एलिमिनेशन रिएक्शन जो बाय डेफिनेशन हमने बात की, कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं. सपोज हमको हमारे पास कोई कंपाउंड है, दैट इज CH3, दैट इज इथेन. और यहाँ पे दोस्तों CH3CH2 में से मैंने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम दी क्लोरीन. सो यहाँ पे क्या पता चला, CH3CH2Cl. CH3CH2Cl इंडिकेट्स दैट इज 1 डिग्री हेलो अल्केन. अभी दोस्तों ये 1 डिग्री हेलो अल्केन की रिएक्शन बाई चांस हम एक्वेयस NaOH या फिर एक्वेयस KOH के साथ करते हैं, K प्लस एन OH माइनस, देन OH माइनस हियर OH माइनस इज वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो यहाँ पे रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बट हियर अल्कोहलिक. दोस्तों अल्कोहलिक KOH यानी कि जो बेवड़ा KOH इंडिकेट्स द एसिड ई रिएक्शन, किसको इंडिकेट करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को. आई मीन टू से ई रिएक्शन इंडिकेट करता है. सो हियर एलिमिनेशन. अभी एलिमिनेशन को दोस्तों दूसरे भी किसी नाम से हम उसको जान सकते हैं, किस तरह से दोस्तों, जो भी कार्बन हो जिसके साथ हैलोजन हो, सपोज दैट कार्बन इज अल्फा, देन नियर कार्बन इज नोन एज अ बीटा. नियरेस्ट कार्बन और नियरेस्ट कार्बन टू दी अल्फा कार्बन इज नोन एज अ बीटा कार्बन. हाइड्रोजन ऑन दी बीटा कार्बन इज नोन एज अ बीटा हाइड्रोजन. हियर CH2 वी कैन राइट लाइक दिस CH2 एंड H, दैट इज एक्चुअली CH3. सो दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अ बीटा हाइड्रोजन. इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH वहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH द पॉसिबिलिटी इज रिमूवल ऑफ एच. रिमूवल ऑफ एच कौन रिमूव करेगा, कैसे रिमूव होगा, बिकॉज ऑफ बेस. हियर OH माइनस, K प्लस एन OH माइनस, बट हियर OH माइनस इसको दोस्तों न्यूक्लियोफाइल ना कंसिडर करते हुए, हियर OH माइनस इज वर्क एज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. ये बेस होगा, क्यों बेस होगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यू कैन सी दोस्तों ये क्या करेंगे, ये OH माइनस, आई रिपीट दिस OH माइनस डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सो दैट क्या होगा, ये हाइड्रोजन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, आई मीन टू से एच प्लस बनेगा, सो ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये कहाँ पे निकले जाएगा, टू अर्थ दी बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड में चला जाएगा. सो दैट पॉसिबिलिटी टू पॉसिबिलिटी फॉर दिस क्लोरिन एज अ लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. अगर एज अ Cl- माइनस विद द इलेक्ट्रॉन निकलता है, के प्लस से अटैच होकर क्या बना सकता है, KCl, this H plus and OH minus possibility for the H2O. So ultimately क्या बचा, you can see here CH2 बचा हाइड्रोजन निकलने के बाद. सिंगल बॉन्ड था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या बनेगा, अभी ड्यूअल बॉन्ड, अगेन CH2. सो यू कैन सी दिस इज इथिन, क्या बना, इथिन. सो एज वी डिस्कस्ड फ्रॉम द हेलो अल्केन बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन गेट अल्किन. बट ये एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए दोस्तों कुछ टॉपिक्स में आपको समझाने जा रहा हूँ. अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके लिए बल्की बेस ग्रुप, हैवी बेस ग्रुप होना चाहिए, बल्की या हैवी बेस,
मतलब बल्कि या हैवी बेस ग्रुप कैसे पता चला? अगर अल्कोहलिक KOH है, नॉट ओनली एक्वियस KOH, एक्वियस KOH इज ऑल्सो बेस, देयर OH माइनस इज देयर पॉसिबिलिटी टू वर्क एज अ बेस, बट बल्कि बेस नहीं है यहाँ पे दोस्तों। अगर देखो क्यों मैं इसको बल्कि बेस बता रहा हूँ, यू कैन सी दिस इज OH माइनस, ये OH माइनस है। अभी दोस्तों क्या करेंगे, ये OH माइनस कैसा है, अल्कोहलिक KOH है। सो अल्कोहलिक सपोज इथेनोलिक है, सो ये होगा हियर पॉसिबिलिटी फॉर दी पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अटैक और वी कैन से रिएक्शन टुवर्ड दी OH माइनस, अगेन सेकेंड C2H5OH माइनस C2H5OH माइनस, देर आर नंबर ऑफ C2H5OH माइनस इज देर, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन दिस बिकम अ बल्कि बेस, इन प्रेजेंस ऑफ दिस बल्कि बेस देर इज द पॉसिबिलिटी फॉर दी बीटा एलिमिनेशन। नाउ वॉट इज बीटा एलिमिनेशन, एज वी डिस्कस द कार्बन कंटेनिंग हैलोजन इज नोन एज अल्फा कार्बन, नियरेस्ट कार्बन इज नोन एज अ बीटा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन इज नोन एज अ बीटा हाइड्रोजन, हियर फ्रॉम द OH माइनस बीटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड रिमूव एज H2O। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड द ड्यूअल बॉन्ड, सो Cl माइनस एज अ हैवी लिविंग ग्रुप जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो सकता है एंड वी विल गेट CH2CH2। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर दोस्तों यहाँ पे अल्कोहलिक की जगह पे एक्वियस KOH होता है, यही OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता। ओके, सो इन द एलिमिनेशन एंड इन द SN रिएक्शन मेजर डिफरेंस इज OH माइनस इज वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल और OH माइनस वर्क एज अ बल्कि बेस। ओके, सो ये तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ, देर इज पॉसिबिलिटी फॉर सम मोर बेस आर देर। ओके, सपोज NaNH2 सोडामाइड इज देर, अगर दोस्तों NaNH2 दिखा NaNH2, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम दी NaNH2 एलिमिनेशन होगा, फ्रॉम दी NaNH2 एलिमिनेशन होगा। सपोज कि वो इस तरह का अल्कोऑक्साइड ग्रुप है, सपोज ये बल्कि ये OH था, अगर H निकला देन माइनस, माइनस मीन्स रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स लुईस बेस बनेगा। अगर इस तरह का बल्कि ट्राई अल्काइल अल्कोऑक्साइड है, सो ये बल्कि बेस हुआ, बल्कि बेस अल्कोहलिक KOH, दिस टाइप्स ऑफ अल्कोहल NaNH2, और वी कैन से कहीं बार इस तरह से भी हो सकता है दोस्तों, मे बी C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O- अल्कोहल अल्कोऑक्साइड आयन, अल्कोऑक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोऑक्साइड अगेन वर्क एज अ बल्कि बेस, सो पॉसिबिलिटी फॉर दी SN रिएक्शन। सो अभी आपको ये पता चलना चाहिए, हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट रिएक्शन इज SN रिएक्शन और E रिएक्शन। सो अगर दोस्तों इस तरह के बल्कि ग्रुप दिखे, देन प्योर पॉसिबिलिटी फॉर दी SN रिएक्शन, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। सो इसको दोस्तों हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ वी कैन से डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे दोस्तों डी हैलोजिनेशन की जगह पे हम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हैलोजन इज देयर, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ बीटा एलिमिनेशन, this reaction is also known as the beta elimination. So how can we consider that this particular reaction is beta elimination? We can consider because yahan pe dosto jo beta hydrogen hai uska removal ho raha hai, wo eliminate ho raha hai, so that we can say this reaction is also known as the beta elimination. Clear hai? Suppose dosto hum ek aur product ek aur reaction ki aur aage badhe, suppose hamare paas kuch is tarah ki reaction hai, here is the X, Cl, okay. So, this is bond line diagram, आपको easily पता है, this is CH3, CH2, CHCl and CH3. And alcoholic KOH or NaNH2 is there, suppose NaNH2 is there. Again, bulky base group, अगर bulky base group हुआ, beta elimination, beta elimination के लिए, first of all, we have to decide which is the अल्फा कार्बन, सो दिस सेकंड कार्बन इज अल्फा कार्बन, सो विच इज बीटा, नियरेस्ट टू द अल्फा इज बीटा, सो दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा, सो देर इज टू बीटा कार्बन आर देर, इट मीन्स ऑन द बोथ कार्बन वहां पे हाइड्रोजन भी है, अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। सो दोस्तों क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। सपोज
यही रिएक्शन को कुछ इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे, यू कैन सी क्या होगा. सपोज यहाँ से हाइड्रोजन सी एच एंड एच, ये NH2- बल्कि बेस ग्रुप, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Cl एज इट इज निकल के NaCl बनाएगा. देन अवर प्रोडक्ट इज शुड बी लाइक दिस, दिस इज CH3 देन CH, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुका है. देन ड्यूअल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज देयर, वन इज फॉर्मिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन, अगेन CH बिकॉज Cl- रिमूवल ऑफ Cl- इज देयर, देन CH3. सो दिस इज ब्यूटेन. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. ओके, एक और पॉसिबिलिटी है. सपोज दिस हाइड्रोजन CH2H, यहाँ पे दोस्तों NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, Cl निकलेगा, बॉन्ड फॉर्मिंग इज हियर, वन एंड टू कार्बन. सो और प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, CH3 CH2 CH ड्यूअल बॉन्ड CH2. ओके, अगर यही बॉन्ड लाइन डायग्राम में लिखना है तो मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 CH CH CH3, ये हो सकता है. एंड सेकंड क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH ड्यूअल बॉन्ड CH2. ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है. अभी दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम द एलिमिनेशन ये जो प्रोडक्ट मिली उसके रिलेटेड कोई बात ना करें, बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है. यहाँ पे दोस्तों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, यू कैन सी सिस ट्रांस हो सकता है. सपोज ये कार्बन कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप नीचे एक ऊपर है, सो पॉसिबिलिटी फॉर द ट्रांस. अगर इस तरह से होता, दोनों एक्चुअल में ब्यूटेन है तो उसको हम सिस बोलते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अभी बात नहीं करते. अभी हम ये बोलेंगे वहाँ पे इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी ज़्यादा. दिस इज ब्यूट वन इन, इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट वन इन. ओके, चलो यहाँ तक काम खत्म हुआ. हमको ये पता चला दैट एलिमिनेशन रिएक्शन इज देयर, बीटा एलिमिनेशन इज देयर. बट दोस्तों दिमाग में एक और चीज़ क्या बिठा के रखनी है, एक और चीज़ हमको ये बिठा के रखनी है दैट अगर दोस्तों यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट में हो रहा है, तो कौन सी ज़्यादा होगी और कौन सी कम. दिस शुड बी योर मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगी, एंड दिस शुड बी माइनर. ओके, व्हाट इज द रीजन बिटवीन दिस मेजर एंड माइनर. ये नियर अबाउट 80% होगी, ये नियर अबाउट 20% होगी. सो दोस्तों ये रीजन की ओर जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किन, जो भी प्रोडक्ट मिल रहे उसमें से कौन सा एल्किन मिलेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्किन हो किसी भी कंपाउंड में ऑर्गेनिक में. ये एक चीज़ हमें कोई भी कंपाउंड क्या करेगा, अपने आप में अपनी खुद की स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज कर सकता है, हाई कर सकता है, वही सोचेगा. सो ये दोनों में से कौन सा एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा. इस पर एज हाइपर कॉन्जुगेशन आपको एक चीज़ मालूम है, अगर ये पॉइंट आप सबने पढ़ा होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन. मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितने अल्फा हाइड्रोजन कम उतनी स्टेबिलिटी कम, यू कैन सी. अगर दोस्तों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एल्किन किसको बोलेंगे, दिस बोथ आर मेन कार्बन, नियरेस्ट कार्बन एल्किन का जो नियरेस्ट कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन. यहाँ पे दोस्तों जिसके साथ हेलोजन था उसको हमने अल्फा बोला था, इन टर्म्स ऑफ एल्किन अल्फा बीटा चेंज है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नियरेस्ट दैट इज अल्फा, अगेन नियरेस्ट दैट इज अल्फा. सो ये अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन. यहाँ पे अल्फा कितने हैं, तीन. टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन यू कैन सी सिक्स. ओके, यहाँ पे दोस्तों दिस इज अल्किन, सो दिस इज अल्फा. यहाँ पे दूसरी ओर कोई अल्फा है ही नहीं, और ये अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन टू. सो आपको पता चला यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, सो दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई दैट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस शुड बी माइनर प्रोडक्ट. अभी दोस्तों यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है, आई रिपीट, जो मेजर प्रोडक्ट मिलती है एज पर एज स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किन, दैट मेजर प्रोडक्ट इज एक्चुअली सेट जे प्रोडक्ट. इसको हम सेट जे प्रोडक्ट बोलते हैं. क्यों इसको सेट जे प्रोडक्ट बोलते हैं, बिकॉज ये सबसे पहले किसने समझाया था, सेट जे पॉइंट. सेट जे एंड जेड सेव बोथ आर इक्वल. कहीं जगह पे आपको इन दी प्लस ऑफ सेट जे आपको कुछ इस तरह से दोस्तों मे बी जेड सेव लिखा मिले,
सो दिमाग में रखना है सेटजेफ एंड जयितसेव बोथ आर इक्वल. आई रिपीट, सेटजेफ एंड जयितसेव बोथ आर इक्वल. ओके, सो ये जो माइनर प्रोडक्ट मिली उसको हम क्या नाम देंगे? माइनर प्रोडक्ट इज नोन एज अ हॉफमैन प्रोडक्ट. दिस माइनर प्रोडक्ट इज नोन एज अ हॉफमैन प्रोडक्ट. ओके, सो ये भी दिमाग में रखना है विच इज सेटजेफ एंड विच इज हॉफमैन. सो मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा मिलेगी दैट इज सेटजेफ, जो कम मिलेगी दैट इज हॉफमैन. ओके, चलो एक और रिएक्शन दोस्तों हम यहाँ पे जो छोटी सी जगह हुआ वहाँ पे एज्यूम करते हैं. सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है हियर बी आर. ओके, सो यहाँ पे सोचो CH3. ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे सपोज हमको कुछ इस तरह से यहाँ पे दे रखा है दैट इज C2H5OH delta. ये भी अगर इस तरह का अल्कोहल दे उसके साथ ये डेल्टा लिखा हो तो भी समझ जाना है दैट दिस इज अगेन अ एलिमिनेशन रिएक्शन. जैसे मैंने बताया था बल्कि बेस, ये कैसे बल्कि बेस बनेगा? ये बल्कि बेस बनेगा दोस्तों आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, C2H5O- इज बल्कि बेस ग्रुप. ओके, सो ओके, अभी यहाँ से दोस्तों रिमूवल किस तरह से होगा? दिस इज मैन कार्बन, दिस इज अल्फा, देन दिस इज बीटा. सो दोनों बीटा है. पहले दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी हमको लिखनी पड़ेगी. ओके, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा विद द बेस, ये निकलेगा. सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का कंपाउंड हमको मिलेगा, ये होगा. इसको हम क्या बोलेंगे? टू मिथाइल ब्यूट टू इन. देन सेकंड पॉसिबिलिटी, ये भी बीटा कार्बन है, इट मीन्स यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है. सो इन शॉर्ट वी कैन से प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन. ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट. सो अभी आप अपने से कह पाओगे विच इज माइनर एंड विच इज मेजर. इसको हम क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 3 मिथाइल ब्यूटोइन. सो दिस शुड बी अवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस शुड बी माइनर बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. अगर दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन देखे, ये कार्बन है, इसका नियरेस्ट कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अगेन अल्किन का कार्बन है, सो दिस इज अल्फा कार्बन. सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3. यहाँ पे कितने हैं? 3. यहाँ पे कितने हैं? टोटल अल्फा कार्बन 1, 2, 3. टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9. यहाँ पे सपोज ये अल्किन है, इट मीन्स दिस इज योर अल्फा कार्बन. यहाँ पे दोस्तों एक ही हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन इज देयर, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, जयितसेव प्रोडक्ट और सेटजेफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज माइनर और हॉफमैन प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट दी एलिमिनेशन रिएक्शन. आई होप दोस्तों सबको एलिमिनेशन रिएक्शन पता चली होगी. एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस मैं आप सबको पहले ही इंडिकेट कर रहा हूँ, हियर द मैन मेजर डिफरेंस और मेन डिफरेंस इज क्या है दोस्तों? हमारा मेजर डिफरेंस जो यहाँ इन दी SN रिएक्शन जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करते थे, वो यहाँ पे एज अ बेस वर्क करेंगे. दे आर रेडी टू डोनेट दी इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? सो यहाँ पे दोस्तों हमको एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जैसे हमने SN1 SN2 पढ़ी थी, सिमिलर केस हियर वी हैव टू लर्न E1 and E2. वहाँ पे जो था यही पे ऐसे ही कुछ यहाँ पे है E1 E2, जैसे SN1 SN2 था. SN2 में सिंगल स्टेप, SN1 ड्यूल स्टेप, सिमिलर वे E1 ड्यूल स्टेप, SN2 सिंगल स्टेप. बट दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट ये करेंगे, मतलब जैसे हमने अभी SN2 SN1 कर लिया, सो अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म देर इज समथिंग इज इन अवर माइंड, हमारे माइंड में पहले से कुछ है. सो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल E1 और E2 को अभी हम इमेजिनेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद दी SN1 एंड SN2. सो दोस्तों जैसे वहाँ पे हमने बाई मोलिक्यूलर यानी कि SN2 एंड यूनिमोलिक्यूलर यानी कि SN1 अलग से पढ़ा था, यहाँ पे पहले हम ये फैक्टर पढ़ लेंगे. अगर ऐसा कुछ दिखता है देन पॉसिबिलिटी फॉर दी SN2, अगर इस तरह के कोई फैक्टर दिखते हैं देन पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1. सो SN1 SN2 को, सॉरी नॉट SN2 SN1, E1 एंड E2 फैक्टर अफेक्टिंग, और वी कैन से फैक्टर दैट रिप्रेजेंट दैट दिस रिएक्शन शुड बी E1 और E2. सो पहले दोस्तों फैक्टर देख लेंगे, कंपेरिजन करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल SN1 एंड SN2. बिफोर दैट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक.
ओके फ्रेंड्स, सो अब हम एक टेबल देखने जा रहे हैं, फ्रॉम दैट हम ये डिसाइड कर पाएंगे दैट दिस रिएक्शन शुड बी E1 और E2। सो कैसे पता चलेगा फॉर द E1, कैसे पता चलेगा फॉर द E2, आपके लिए एक लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं। दिस इज E1 एंड दिस इज E2। सो पहले हम ऐसे कुछ फैक्टर देखेंगे जिससे हमको E1 पता चले, जिससे E2 पता चले, या फिर उसको नॉर्मल कंडीशन में हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे दोस्तों SN1 को हमने यूनिमोलेक्यूलर सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहा था। इन दैट वे यहाँ पे क्या होगा, यूनिमोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर E2 के बारे में बात करना देन वी कैन से बाई मोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, बाई मोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E2। ओके, अभी दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने यूनिमोलेक्यूलर बाई मोलेक्यूलर लिख दिया, बट इतना सफिशिएंट नहीं है। सो इसके लिए दोस्तों अगर स्टेप देखें, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन थी कौन सी हमारी E2 SN2, इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पे स्टेप की बात करें तो हम लिख सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सी, जो E2 है दैट इज सिंगल स्टेप। और वहाँ पे दोस्तों आपको पता था दैट SN2 इज टू स्टेप रिएक्शन, अगेन हियर E1 इज ऑल्सो एज पर SN1 यहाँ पे E1 भी टू स्टेप रिएक्शन है, सो वी कैन राइट टू स्टेप रिएक्शन। ओके, देन थर्ड, उसके बाद दोस्तों वहाँ पे अगर आपको मोलेक्यूलरिटी और उसके रिएक्शन ऑर्डर को कंपेयर करना था, स्टेप को कंपेयर करना था, स्टेप तो नहीं कह सकते बट मोलेक्यूलरिटी एंड रिएक्शन ऑर्डर सो इक्वल था। सिमिलर वे यहाँ पे दोस्तों जो मोलेक्यूलरिटी है एज पर एज केमिकल काइनेटिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन। सो मोलेक्यूलरिटी सर एक ही केस है। सो यहाँ पे दोस्तों दो स्टेप है, जो SN1 में भी दो स्टेप थे, वहाँ पे पहले क्या होता था जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा और वो RDS होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, पहला स्टेप स्लो होगा। सो पहला स्टेप है उसके अपॉर्ड वी कैन डिसाइड द रिएक्शन ऑर्डर और उससे ही हम डिसाइड करेंगे मोलेक्यूलरिटी। सो दोनों में इक्वल है, मोलेक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू वन फॉर द E1। सिमिलर केस दोस्तों यहाँ पे भी ये हम ये कह सकते हैं मोलेक्यूलरिटी इज इक्वल टू, आई रिपीट, मोलेक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, मोलेक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2। ऐसे तो दोस्तों जैसे वहाँ पे भी सिंगल स्टेप था, ये भी सिंगल स्टेप है, जल्दी से रिएक्शन होगी, जल्दी से एलिमिनेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेप फॉर दी वेरी क्विक टाइम फॉर्मेट होगा, बट मोलेक्यूलरिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, बोथ आर इक्वल फॉर द E2। अभी दोस्तों अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है सो वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K into only reactant, और वी कैन से अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट हेलो आल्केन वी कैन राइट RX। इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है उसका कोई काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तब दोस्तों एक ही रिएक्टेंट होगा जिसमें एलिमिनेशन होने वाला है, सबस्ट्रेट नहीं बोल सकते बट यहाँ पे हम इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन होगा। अगर दोस्तों बात करें रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द E2, आई रिपीट रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द E2, तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द E2 इज K into RX into, यहाँ पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, और वी कैन से बेस बल्कि बेस, सपोज इस तरह से मैं लिख सकता हूँ बेस की जगह पे, सपोज मैंने OH- लिख दिया, हियर OH- इज नॉट वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर दोस्तों SN1 SN2 की बात करते हो तब आपको पता है OH- इज एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बोकेटाइन, सो OH- इज ऑल्सो वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो हमने आगे पढ़ा था। बट यहाँ पे दोस्तों OH- वो डायरेक्टली कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, दैट्स मीन वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है बट वर्क एज अ बेस, बट दोनों पे डिपेंड करता है, जहाँ पे एलिमिनेशन होगा दैट रिएक्टेंट एंड द बेस, जो भी बल्कि बेस हो, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 है, सो 1+1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोस्तों जो बेस है उसका
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस फॉर द E1 और E2, बट वो अफेक्ट नहीं करता, कार्बोकेटायन जनरेशन इज द मेन पोर्शन। ओके, उसके बाद दोस्तों मतलब कुछ सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसा देखे जिससे डायरेक्टली पता चल ही जाए दैट दिस रिएक्शन शुड बी E1 और E2, आई रिपीट, नॉट SN1 SN2, E1 और E2। फॉर दैट अगर दोस्तों आपको जो बल्कि बेस दे रखा है विद दी हेलो आल्केन, जहाँ पे एलिमिनेशन करना है, अगर वो कुछ इस तरह से आपको दिखे, आई मीन टू से CH3OH और उसके साथ सिंबल ऑफ द हीट, मतलब उसको हीट करना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर दे रखा है 60 degree 70 degree और नियर अबाउट दैट और हायर टेम्परेचर, अगर ये दोनों दिखा, इट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट्स दिस रिएक्शन इज E1 रिएक्शन, और वी कैन से समझ लो इथाइल, और वी कैन से ETOH प्लस सिंबल, ETOH प्लस सिंबल, अगेन इथेनॉल प्लस दिस हीट सिंबल और टेम्परेचर। इन शॉर्ट ये एज अ बेस वर्क करेंगे, क्यों एज अ बेस वर्क कर सकते हैं, सपोज वहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे जो अपने लोन पे है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आई रिपीट, और हमको कुछ इस तरह से दोस्तों एक टेम्पररी कंपाउंड भी इस तरह से मिलने वाला है। सो दे वर्क एज अ बेस, बट वहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, सो वीक बेस है, इतनी इंटेंसफुली इतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग बेस। सो यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ वीक बेस, अगर वीक बेस प्रेजेंट रहे देन प्योर पॉसिबिलिटी फॉर द E1, अगर दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस रहे लाइक अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, सोडामाइड, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 3-alkyl group O-, इस तरह के, या फिर उसके साथ दोस्तों सपोज इथेनॉल ही है, यहाँ पे भी इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस हीट, बट इथेनॉल प्लस C2H5O-, ऑलरेडी दोस्तों एक बेस बना हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये एक्चुअली अल्कोऑक्साइड आयन ही है, बट दिस अल्कोऑक्साइड आयन इज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, सो अल्कोहलिक बेस, अगेन बिकॉज ऑफ अल्कोहल, मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों ये KOH में बताया था, बिकॉज ऑफ अल्कोहल वो OH- YOH- इज वर्क एज ए बल्कि बेस ग्रुप, ये बल्कि बेस हैवी बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, आई रिपीट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द E1 रिएक्शन। If we talking about E1, there is the formation of carbocation. Formation of carbocation is there. वहाँ पर carbocation form होगा. Here, single step है, carbocation ठीक से format हो, उससे पहले तो reaction हो जाएगी. So we can say no stable carbocation, or we can say no formation of the carbocation. कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों कार्बोकेटाइन है, अगर फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे टू फाइंड आउट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकता है, सो आई मीन टू से वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। यू कैन सी अपने दोस्तों आगे एक बार कुछ इस तरह से पढ़ा था, सपोज दिस इज कार्बोकेटाइन, अगर ये कार्बोकेटाइन है सो ये किस तरह का है, 2 degree कार्बोकेटाइन, एज वी नो 3 degree कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 degree, सो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इन द लाइन डायग्राम हम उसको इंडिकेट नहीं करते बट हाइड्रोजन इज देयर, यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ दी H-, और हमको क्या मिलेगा कुछ इस तरह से दोस्तों 3 degree के टाइम मिलेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और उसके साथ वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, सो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन ही नहीं है सो नो रीअरेंजमेंट, देर इज नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है E1 के लिए, ये एक्चुअली हमने पढ़ा था इन दी SN1 SN2, E1 के लिए और पॉसिबिलिटी अगर देखें दोस्तों, सो E1 की पॉसिबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है जल्दी से निकलेगा उतनी पॉसिबिलिटी E1 की ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी से कब निकलेगा, जब वो स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल है इट मीन्स वहाँ से निकलने वाला कैटाइन भी स्टेबल होगा, अगर कैटाइन स्टेबल है देन E1। अगर दोस्तों यहाँ पे E2 को अगर उसी टर्म में देखना है देन वी कैन राइट E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, एबिलिटी नॉट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इंडिकेट एबिलिटी, और जितने ज़्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप है उतना वो ज़्यादा एबल है निकलने के लिए, सो एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, अगेन एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप।
उसके साथ दोस्तों जैसे SN1 SN2 में हमने यहाँ पे तो नो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन फॉर्म नहीं होना है, मतलब अनस्टेबल ही रहना है। और कब ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जब 1 डिग्री। सो 1 डिग्री की पॉसिबिलिटी E2 में ज़्यादा है, उससे थोड़ी पॉसिबिलिटी कम कहाँ पे है, 1 डिग्री से कम 2 डिग्री में, और 2 से कम कहाँ पे 3 डिग्री में। सो दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द E2। फॉर E1 फिर से दोस्तों यही प्रायोरिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो यहाँ पे एंड वन मोर थिंग, दैट इज सॉल्वेंट, इसकी बात एकदम लास्ट में करेंगे। सॉल्वेंट भी यहाँ पे रिएक्ट करता है, मीन टू से मैटर करता है E1 और E2 में, बट वो दोस्तों एकदम लास्ट में होगा, उसकी इतना इंपॉर्टेंस अभी के लिए नहीं है, जो लास्ट में हमको चाहिए होगा। सो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन आइसोलेट दैट पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इज E1 और E2। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू फॉर द MCQ ऑफ द बोर्ड एग्जाम और MCQ ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो जल्दी से दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट E1 रिएक्शन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल वे। सो अवर हियर अवर टारगेट इज E1 रिएक्शन, और वी कैन से E1 टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दोस्तों जल्दी से हम डायरेक्ट एग्जांपल से पढ़ने जा रहे हैं, बट हमको इतना यहाँ पे पता है दैट E1 रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। सेकेंड थिंग, उसके लिए दोस्तों जो बेस होगा कंपेरिजन कंपेरेटिवली वीक बेस होगा, उसके साथ सिंबल ऑफ द हीट और वी कैन से टेम्परेचर दे रखा होगा, हो सकता है। चलो एक एग्जांपल के साथ दोस्तों पढ़ना शुरू करें, फिर से यही एग्जांपल के साथ हम पढ़ते हैं। दिस इज ब्रोमो और वी कैन से दिस इज 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अभी यहाँ पे दोस्तों 2-ब्रोमो-ब्यूटेन को अगर मैं यहाँ पे उसकी रिएक्ट करवा रहा हूँ C2H5OH और वी कैन से इथेनॉल प्लस हीट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द SN1 रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ से दोस्तों क्या होगा, Br एंड H यहाँ पे अल्फा H का रिमूवल होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी Br एंड H अल्फा H का रिमूवल होगा। सो बोथ प्रोडक्ट्स आर देयर, मैं यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। सो दिस इज अवर, यहाँ पे फिर से दोस्तों सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज देयर, बट उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इतना पता है दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट और वी कैन से सेटजे प्रोडक्ट और वी कैन से जेल से प्रोडक्ट। दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट एंड दिस माइनर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, ये लग गया। बट अगर इसको विद द मैकेनिज्म समझना है, एज वी नो टू स्टेप रिएक्शन, सो विद द मैकेनिज्म विद द एग्जाम्पल यू कैन सी। यहाँ पे दोस्तों पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 विच इज स्लो, ये स्लो है, स्लो है, इट मीन्स दिस इज द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सो पहली चीज दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगी। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन किस तरह से होती है, यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन दोस्तों कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हमारे पास जो भी लिविंग ग्रुप है हैलोजन, वो क्या करेंगे विद द इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सो दिस इज अवर कार्बोकेटाइन। अभी ये कार्बोकेटाइन के अलावा हमारे पास दो अल्फा कार्बन है, ये दो अल्फा कार्बन, और ये दोनों के एक एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इट डजेंट मीन यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, आपको मालूम है दिस इज CH3CH2, इट मीन्स टू अल्फा हाइड्रोजन, अगेन CH, देन अगेन CH3, अगेन 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, वहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, बट दोनों में से एक एक कोई हम कंसिडर करते हैं। एंड फॉर नाउ हम यही वे में, मतलब मेजर प्रोडक्ट जो हमारी सेटजे प्रोडक्ट है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। सेम मैकेनिज्म फॉर द माइनर प्रोडक्ट, आई मीन टू से हॉफमैन प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर। हॉफमैन के लिए भी फिर से दोस्तों सेम रिएक्शन ही होगी, सेम मैकेनिज्म ही होगी, बट हम एक ही मैकेनिज्म से इसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज देयर। अभी जो कार्बोकेटाइन बना, दैट कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री। अगर दोस्तों यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होता, Br यहाँ पे होता, तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी ये थी दैट कार्बोकेटाइन इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यू कैन सी अगर इस तरह से होता, सपोज यहाँ से Br निकलता, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलती, दिस इज कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री था, देन हाइड्रोजन शिफ्ट होके 2 डिग्री बन सकता था।
बट दिस इज ऑलरेडी 2 डिग्री, सो देर इज नो नीड टू डी रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है. ये स्लो स्टेप था, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है. ओनली एलिमिनेटिंग कंपाउंड, जहाँ पे एलिमिनेशन होने वाला है वही इस स्लो स्टेप के लिए जिम्मेदार है. दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, हमने इसको E1 कहा है. नाउ सेकंड स्टेप, क्या होगा, यू कैन सी इन दी सेकंड स्टेप, स्टेप टू विच इज फास्टर, सो नॉट कंसिडरेबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन को, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, हम स्ट्रॉन्ग जो मेजर प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा बेस है वो कुछ इस तरह से वर्क करेगा. C2H5OH, देर इज टू लोन पेयर विद द ऑक्सीजन. वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स हाइड्रोजन, सो देट क्या मिलेगा हमको यहाँ पे दोस्तों, वहाँ से हमको मिलेगा H+, जो यहाँ पे H+ यहाँ पे अटैच होके अपने खुद के दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा टूवर्ड ड्यूअल बॉन्ड, एंड आवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस. दोस्तों एक सिंगल बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज ब्यूट टू इन. अगर सिमिलर केस यहाँ पे अगर बेस अटैक करता तो ये हाइड्रोजन निकलता, ड्यूअल बॉन्ड यहाँ पे बनता, जो हमारी माइनर प्रोडक्ट थी. बस मैंने यहाँ पे दोस्तों ओनली मेजर प्रोडक्ट को ही दिखाया है. दिस इज ऑल अबाउट E1 रिएक्शन. सेकंड स्टेप से दोस्तों कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता जितना इम्पोर्टेंट हमने फर्स्ट स्टेप को दिया है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप. क्लियर, सो एकदम ईजी रहा. वन मोर एग्जाम्पल दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ओके, अगर दोस्तों कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है हमारे पास, एंड दिस इज Cl सपोज. सो इसको हम क्या कहेंगे, 2-chloro-3-methyl-butane और 3-chloro-2-methyl-butane एज पर एज IUPAC रूल. आपको मालूम है कौन सा राइट है, एलो वाला. ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे अगर यही रिएक्शन है, तो स्टेप वन क्या होगा दोस्तों, स्टेप वन होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. किस तरह से बनेगा, Cl रिमूव विद द इलेक्ट्रॉन एंड आवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस. दिस इज 2 डिग्री केटायन, दिस कार्बोकेटायन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन. ओके, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, अगर इसको क्लियर लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3. अगर ये Cl निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, आई रिपीट, CH3 CH CH3 CH CH3. ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हमने पढ़ा था, इन दी E1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. सो हियर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. सो किस तरह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों रीअरेंजमेंट होगा फ्रॉम दिस हाइड्रोजन शिफ्टिंग. ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा विद द इलेक्ट्रॉन H-, सो दिस शुड बी अवर न्यू कार्बोकेटायन. हमारा न्यू कार्बोकेटायन क्या होगा, ये क्यों ये न्यू कार्बोकेटायन है, बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ 3 डिग्री केटायन. सो ये जो स्टेप था ये स्लो स्टेप होगा, स्लो इट मीन्स अगर स्लो स्टेप है इट मीन्स यही स्टेप RDS होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप. ये स्टेप वन हुआ, अभी स्टेप टू मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्टेप टू. अभी आपको मालूम है स्टेप टू में क्या है, अगर मेजर प्रोडक्ट लेनी है, तो दोस्तों अगर ये हमारा कैटायन है इसके लिए अभी अल्फा कितने हैं, दिस इज अल्फा अल्फा एंड अल्फा, 3 अल्फा हमारे पास पॉसिबल है. कौन से अल्फा को पहले पकड़ेगा, मतलब आई मीन टू से ये तीनों अल्फा कार्बन है इन कंपेरिजन टू दिस कैटायन. सॉरी, ये अल्फा कार्बन है, रिपीट करता हूँ, कौन सा बीटा कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, मैं अल्फा बता रहा हूँ कब से, कौन सा बीटा यहाँ पे होगा. ये तीनों बीटा में से दोस्तों ओ बीटा से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जिससे हमको मैक्सिमम अल्फा एच मिले. सो अगर दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, देन अवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे जो बीटा है उसको मैं लिख देता हूँ CH3, देन कार्बन ऊपर CH3, देन ड्यूअल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा फिर से दोस्तों CH2 था, वो बनेगा CH एंड लास्ट वन CH3. सो अभी अल्फा देखना है, मैंने गलती की थी, मे बी यहाँ पे भी मैं अल्फा ही बोला था, समझ लेना. यहाँ पे बीटा, अगर ये कैटायन है इट मीन्स ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन ऑफ दी बीटा हाइड्रोजन. अगर मैंने मिस्टेक की है तो क्लियर कर देना दोस्तों. ओके, फिर से अभी इन टर्म्स ऑफ एल्किन,
अल्किन इन टर्म्स ऑफ केटाइन, इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन, जहाँ से एलिमिनेशन होने वाला है उसके नियरेस्ट कार्बन इसके नियरेस्ट कार्बन बीटा है, वो खुद अल्फा है। बट इन टर्म्स ऑफ अल्किन, अल्किन को अल्फा कंसिडर नहीं करना है, नियरेस्ट इज अल्फा। सो ये अल्फा अल्फा एंड अल्फा। सो यहाँ पे अगर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, 3+3+3 9 अल्फा हाइड्रोजन सर दे। अगर दोस्तों जो सेकंड प्रोडक्ट आई मीन टू से मैंने यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट ही दिखाई है, अगर माइनर प्रोडक्ट करनी होती मैं कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ये तो कर लिया है, इन दोनों में से किसी एक से, अगर इन दोनों में से किसी एक से होता हाइड्रोजन रिमूवल तो हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होती। इन दिस केस दिस इज अवर अल्किन कार्बन, सो ये दोनों अल्फा कार्बन होते, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे 2, टोटल कितने होते 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगेन ये ज़्यादा है, सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, नियर अबाउट 80% सेटजेप और जेइथ सेव प्रोडक्ट। दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट, नियर अबाउट 20% हॉफमैन प्रोडक्ट। आई होप सबको इवन रिएक्शन ठीक से समझ में आया होगा, ये सिंपल एग्जाम्पल के साथ हमने प्रैक्टिस किया। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी इन योर एग्जाम, इसी तरह के सिंपल कंपाउंड्स है, साइक्लिक हो सकते हैं, बाइसाइक्लिक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हैलोजन हो सकते हैं, बट उसके लिए दोस्तों हमारे पास वर्कशीट है, वो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं, ठीक है। सो ये दोस्तों हमारी बात हुई थी, आई रिपीट, ये बात हुई इवन की नाउ E2, बट बिफोर दैट इवन का कुछ एग्जाम्पल को दोस्तों जल्दी से आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो फास्ट। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर E1 नाउ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे हमने बात की थी कुछ फैक्टर्स जिससे हमको डायरेक्टली पता चलता है दैट दिस रिएक्शन इज E1 और E2। सो E2 में क्या होगा दोस्तों, सपोज वही कंपाउंड के साथ हम स्टार्ट करते हैं 2-chloro-butane, बट इन दिस केस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH यू कैन अज्यूम दिस इज E2 और NaNH2 E2 और बल्कि अल्कोक्साइड E2, ये सभी केस में हम इसको E2 ही बोल देंगे। यहाँ पे अगर E2 रिएक्शन हुई तो सिंगल एक ही स्टेप में मतलब काम चला जाएगा। एक ही स्टेप में क्या होगा, सपोज दिस इज अवर, आई रिपीट, दिस इज अवर मैन कार्बन और अल्फा कार्बन, सो दिस शुड बी अवर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है CH3, CH2, CH, CH3, सो यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2। अगर मेजर प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ना है, जैसे हमने बात की थी अवर फर्स्ट टारगेट इज अवर मेजर प्रोडक्ट, आई रिपीट अवर फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज अवर मेजर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दोस्तों अगर मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है तो हम वही प्रोडक्ट को अभी लिखने जा रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो इन टर्म्स ऑफ अल्किन। सो दोस्तों क्या होगा, आपको मालूम ही है ये जो बल्कि बेस ग्रुप है, बल्कि बेस ग्रुप वो क्या करेगा, वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे गए CH एंड H में लिख रहा हूँ सर, और एज ए H2 रिमूवल हो गए और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इन दी बॉन्ड, एंड प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH देन CH CH3, दिस इज म्यूट वन इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नो फॉर्मेशन ऑफ केटायन, सो दैट नो फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी नो रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो देयर। ये हुई हमारी मेजर प्रोडक्ट, आई रिपीट दिस इज आर मेजर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेट सेव और सेटजेप प्रोडक्ट। अगर दोस्तों बाई चांस ये बेस यहाँ पे वर्क करता ऑन दिस बीटा हाइड्रोजन, देन अवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस CH3, CH2, CH ड्यूअल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट ब्यूट वन इन, दिस इज ब्यूट वन इन। ओके, और इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हो, हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ओके दिस इज CL और यहाँ पे CL, चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ERCl। ओके, सो अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन की तो हम बात नहीं कर सकते, स्टेबल कौन सा ज़्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, क्यों, ये तो लिस्ट स्टेबल से ही वर्क करता है ना, जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी E2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। सपोज NaNH2 इज देयर,
NaNH2 इज देयर। सो यहाँ पे दोस्तों अगर ये रहा हमारा मेन कार्बन, सॉरी दिस इज Cl, सो यहाँ पे मेन कार्बन होगा, दिस इज CH2। अगर ये हेलोजन निकला ये अल्फा बन कार्बोकैटायन बन सकता है, बट अगर ये कार्बोकैटायन है सो ये बीटा होगा। अगर ये बीटा हुआ, आई रिपीट, अगर ये बीटा हुआ तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये बीटा कार्बन हुआ, अगर यहाँ पे दोस्तों NaNH2 की जगह पे वीक बेस होता तो डायरेक्टली ये दोस्तों 1 डिग्री से 3 डिग्री केटाइन बनना ही था, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिल कार्बोकेटाइन जनरेशन के बाद स्टेबिलिटी देखते। यहाँ पे सो डायरेक्टली दोस्तों ये हाइड्रोजन को रिमूव करके आपकी कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनने वाली थी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वीक बेस होता, आई रिपीट, अगर दोस्तों यहाँ पे वीक बेस होता देन तब दोस्तों पॉसिबिलिटी थी, किसकी पॉसिबिलिटी थी, तब पॉसिबिलिटी थी पहले यहाँ पे सेकंड कार्बोकैटायन पे हम फोकस करते, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने के बाद ये 3 डिग्री बनता और उसके बाद दोस्तों 1, 2 एंड 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास एक्सेस ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे हम माइनर और मेजर प्रोडक्ट की बात कर सकते। यहाँ पे तो यही मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, आई रिपीट, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल यही एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। मे बी देर इज़ वन डाउट, मेरे को एक डाउट है, जैसे हमने पढ़ा यही टर्म में है, बट फिर भी दोस्तों देर इज़ वन डाउट इन माई माइंड, अगर वो सही है मैं क्लेरिफाइज करके कल यही एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो फिर से करेंगे, बट दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं है, बट अगर कोई मिस्टेक हुई तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, ओके। सो ये हुई एलिमिनेशन में E2, सो हमने E1 रिएक्शन पढ़ी, हमने E2 रिएक्शन पढ़ी, हमने ओवरऑल एलिमिनेशन किसको कहते हैं वो पढ़ा, उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े। सो ओवरऑल ये लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बट नॉट इनफ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द हायर लेवल MCQ, उसके लिए कुछ ज़्यादा हाई लेवल के MCQ पहले यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद आप खुद भी ट्राई कर पाओगे। सो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों इसको हम क्लेरिफाइज करेंगे, उसके साथ E1 CB रिएक्शन, कार्बन आयन फॉर्मेशन, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था, कार्बन आयन फॉर्मेशन भी हो सकता है नेगेटिव आयन कॉन्जुगेटेड बेस के टर्म में, वो पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसके साथ कुछ पैरामीटर्स एंड कुछ MCQ भी देखेंगे और यहाँ पे कोई मिस्टेक है या नहीं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।